ये देखो अपन बात करेंगे। अच्छा अभी तो स्लाइड शेयर करते हैं, स्लाइड शेयर है ना। तो अपन बात किसकी करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको, मतलब साइलोटम की बात कर रहे हैं। तो साइलोटम में युग्मक उद्भिद की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एबिटोफाइट इन साइलोटम। तो साइलोटम क्या है, टेरिडोफाइट है। तो अपन बात करते हैं युग्मक उद्भिद की संरचना। तो परिपक्व युग्मक उद्भिद वृक्षों की छाल, चट्टानों की दरारों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों की सतह के नीचे मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक रूप में पाया जाता है। यह सरल मृदुत की लगभग 20 मिलीमीटर लंबा व 0.5 से 2.5 मिलीमीटर व्यास का तथा पीले भूरे रंग का या रंगहीन होता है। तो बेटा युग्मक उद्भिद कैसा होता है, सरल होता है, पेरेन्काइमेटस होता है, और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 0.5 से 2.5 मिलीमीटर होता है। और ये युग्मक उद्भिद गेमेटोफाइट पीले भूरे रंग का होता है, या ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। तो युग्मक उद्भिद द्विभाजी शाखित डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, परंतु कभी कभी एपिकल सेल शीर्ष कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर युग्मक उद्भिद अनियमित पालित इनरेगुलरली लोब्ड दिखाई देता है। तो गेमेटोफाइट की सतह पर अनेक एक कोशिक मूलाभास तथा जननांग उपस्थित रहते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, जो गेमेटोफाइट है उसकी उसकी सतह पर गेमेटोफाइट की सतह पर अनेक एक कोशिक मूलाभास राइजॉइड्स तथा सेक्स ऑर्गन्स जननांग उपस्थित होते हैं। तो युग्मक उद्भिद की आंतरिक संरचना बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कॉर्टेक्स तथा स्टील रंभ में विभेदित होती है। तो अपन देखते हैं जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, वो मृदुत की कोशिकाओं की एक परत होती है तथा इस पर एक कोशिक मूलाभास विकसित होते हैं। तो जो एपिडर्मिस है, इसकी युग्मक उद्भिद की वो पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। और वल्कुट जो है, इसको कहते हैं आप कॉर्टेक्स। वल्कुट बहुस्तरीय होता है, मतलब मल्टी लेयर्ड होता है, तथा वल्कुट रंगहीन मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है। और इसकी कोशिकाओं में अंतःपादपीय कवक मूल पाया जाता है। तो वल्कुट की क्या विशेषता है, जो युग्मक उद्भिद का वल्कुट है, कॉर्टेक्स है, उसकी सेल्स में एंडोफिटिक माइकोराइजा अंतःपादपीय कवक मूल पाया जाता है। इसी प्रकार साइलोटम म्यूडम के द्विगुणित डिप्लॉयड युग्मक उद्भिद के केंद्रीय भाग में रंभ स्टील पाया जाता है, और यह फ्लोएम से घिरे वल्याकार अथवा सीढ़ीनुमा एनुलर और स्कैलेरिफॉर्म वाहिनिकाओं से ट्रेकीट से बना होता है। तो रंभ अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट टूटा होता है। जो रंभ है, स्टील है, अनेक छोटे छोटे खंडों में टूटा होता है। इसी प्रकार हॉलोवे के अनुसार सक्रिय वृद्धि के समय शीर्ष वृद्धि के साथ साथ संवहन ऊतकों का विभेदन होता है, जबकि निष्क्रिय वृद्धि के समय संवहन ऊतक नहीं बनते हैं। इस प्रकार की वृद्धि के फलस्वरूप एविक्शन ठोस रंभ का निर्माण होता है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइलोटम में सेक्स ऑर्गन्स जननांग। तो साइलोटम का युग्मक उद्भिद मोनोइशियस होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है, पुंधानी एवं स्त्रीधानी आर्किगोनिया युग्मक उद्भिद की सतह पर मिश्रित रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो पुंधाने की संख्या स्त्रीधानियों से अधिक होती है तथा साइलोटम में पुंधानियां स्त्रीधानियों से पहले विकसित होती है। कहने का मतलब है साइलोटम नामक टेरिडोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, जननांग मिलते हैं, उसमें से मेल सेक्स ऑर्गन को नर जननांग को पुंधानी कहते हैं, एंथीडिया कहते हैं,
वह फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब मादा जननांग को आर्किगोनिया कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। और हाँ बेटा बोलो मैम, उभयलिंगाश्री क्या होते हैं? क्या बेटा? मोनोएशियस। मोनोएशियस होते हैं बेटा, उभय लिंगाश्रय होते हैं। तो एक मैं जैसे क्या मोनोएशियस में एक बार स्लाइड वही वाली शेयर कर रही हूँ। मोनोएशियस होते हैं मतलब एक मतलब बेटे एक ही पादप पे एंथ्रीडिया भी लगते हैं, कुंधानी भी लगते हैं और आर्किगोनिया भी लगते हैं। आया बेटा? मतलब एक ही प्लांट पे जब कुंधानी व स्त्रीधानी दोनों ही जननांग लगते हैं तो इसको उभयलिंगाश्री या मोनोएशियस कहते हैं। और एक टर्म और आता है बेटे डायोएशियस, जब एंथ्रीडिया कुंधानी व आर्किगोनिया अलग अलग युग्म कोद्भिद की सतह पर विकसित होते हैं। और जैसे कि आपने पूछा मोनोएशियस, तो पुंधानी एंथ्रीडिया मतलब और आर्किगोनिया एक ही युग्म कोद्भिद की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, अब बेटा ठीक है बेटा, अब पुंधानियों की संख्या स्त्रीधानियों से अधिक होती है तथा पुंधानिया पहले विकसित होती है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पुंधानी एंथ्रीडियम। तो अपन देखते हैं पुंधानी का परिवर्धन, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम टेक्स प्लेस इन साइलोटम। तो पुंधानी का विकास युग्म कोद्भिद की सतही कोशिका से होता है, अर्थात वृद्धि बिंदु के पीछे स्थित कोई सतही कोशिका पुंधानी प्रारंभिक का कार्य करती है। पुंधानी प्रारंभिक एंथ्रीडियल इनिशियल में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जैकेट इनिशियल, जैकेट प्रारंभिक वह भीतरी प्राथमिक पुंजनक कोशिका प्राइमरी एंडोगोनियल सेल बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम क्या दिखा रहा है? साइलोटम का डायग्राम है। इसमें ए से जे, ए से जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए से जी क्या दिखा रहे हैं? पुंधानी विकास की विभिन्न अवस्थाएं। एच क्या है? एच इज अ परिपक्व पुंधानी मैच्योर एंथ्रीडियम। आई क्या है? पुंगड़ों का डायग्राम है। तो मैंने क्या बताया, जो पुंधानी प्रारंभिक है, ए डायग्राम में देखना एंथ्रीडियल इनिशियल है, पुंधानी प्रारंभिक में परिणतिक विभाजन होता है, जिससे कि बाह्य जैकेट इनिशियल, ये देखो बी में क्या बन रहा है, बाह्य जैकेट प्रारंभिक तथा भीतरी प्राथमिक पुंजनक कोशिका मतलब प्राइमरी एंडोगोनियल सेल का निर्माण होता है, जैसे कि आप बी डायग्राम में देख रहे हो। तो जैकेट प्रारंभिक अपनतिक, जैकेट प्रारंभिक जैकेट इनिशियल अपनतिक विभाजनों द्वारा पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट का निर्माण करती है, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स प्राथमिक पुंजनक कोशिका में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति द्वारा होता है। तो देख लो सी डायग्राम में जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है मतलब कौन सी है, प्राथमिक पुंजनक कोशिका में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति द्वारा होता है और इसके पश्चात होने वाले विभाजन विभिन्न तलों में होते हैं। तो इन विभाजनों के फलस्वरूप अनेक पुंजनक कोशिकाएं एंडोगोनियल सेल्स बनती हैं। तो देख रहे हो आप, ये अनेक एंडोगोनियल सेल्स बन गई, क्योंकि आपको किसमें दिखाई दे रही है, ई डायग्राम में। तो क्या बता रहे हैं, ई कौन सा बता रही हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। तो सबसे पहले क्या बताया, पुंधानी प्रारंभिक में परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जैकेट इनिशियल व प्राइमरी एंडोगोनियल सेल बनती है। तो जैकेट प्रारंभिक में अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। फिर प्राइमरी पुंजनक कोशिका मतलब प्राइमरी एंडोगोनियल सेल में प्रथम विभाजन उदग्र भित्ति द्वारा होता है, इसके पश्चात होने वाले विभाजन विभिन्न तलों में होते हैं और इन विभाजनों के फलस्वरूप अनेक पुंजनक कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि आप ई डायग्राम में देख रहे हो अनेक एंड्रोगोनियल सेल्स बनती है। तो जब एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती है तो इन कोशिकाओं की अंतिम पीढ़ी, इन कोशिकाओं मतलब एंड्रोगोनियल सेल्स की अंतिम पीढ़ी
एंड्रोसाइट्स कहलाती हैं, पूर्व कुमणु कोशिकाएं कहलाती हैं। डायग्राम में देखो 5.8G में दिखाया है, इन कोशिकाओं की अंतिम पीढ़ी एंड्रोसाइट्स कहलाती है। अब एंड्रोसाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व कुमणु कोशिकाएं कहलाती हैं, और पूर्व कुमणु कोशिकाएं कायंत्रण द्वारा सर्पिलाकार कुंडलित बहुकशाविकी पुमणु एंथ्रोसाइट्स का निर्माण करती हैं। तो लास्ट डायग्राम क्या देख रहे हैं? ये स्पर्म मदर सेल और एंथ्रोसाइट पुमणु का निर्माण हो रहा है। तो अब अपन देखते हैं पुंधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडियम। तो परिपक्व पुंधानी सूक्ष्म लगभग गोलाकार संरचना होती है, तथा युग्मक उद्भिद प्रोथेलस की सतह पर एक उभार के रूप में दिखाई देती है, और पुंधानी का आमाप 60 से 120 माइक्रोन तक होता है, और पुंधानी एक स्तरीय जैकेट द्वारा परिबद्ध रहती है, जिसके शीर्ष पाद एक बहुप्रस्थीय ऑपरक्यूलर सेल, जिसके शीर्ष पर तो पाद नहीं है ये, जिसके शीर्ष पर एक बहुप्रस्थीय प्रच्छद कोशिका ऑपरक्यूलर सेल विभेदित होती है। मतलब जो पुंधानी है वो एक स्तरीय जैकेट के द्वारा घिरी रहती है, और इसके शीर्ष पर पुंधानी के शीर्ष पर एक ऑपरक्यूलर सेल भी विभेदित होती है, और पुंधानी में अनेक बहुकशाविक एवं सर्पिल रूप से कुंडलित पुमणु पाए जाते हैं, और पुमणु की संख्या 128 से 512 तक होती है। तो जैकेट के शीर्ष भाग में स्थित प्रच्छद कोशिका के अपरासित होने पर पुमणु विमुक्त हो जाते हैं, और पुमणुओं के विमोचन के पश्चात पुंधानी की जैकेट नष्ट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं स्तनधानी आर्किगोनियम का, आर्किगोनियम की। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम एंड साइलोटम। तो परिवर्धन स्तनधानी का परिवर्धन साइलोटम में कैसे होता है? तो पुंधानी के समान स्तनधानी का विकास भी युग्मक उद्भिद की सुपरफिशियल सेल पृष्ठीय कोशिका से होता है। इसे आर्किगोनियल इनिशियल, इसे स्तनधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। जैसे डायग्राम में देख रहे हो, यह है आर्किगोनियल इनिशियल, स्तनधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। स्तनधानी प्रारंभिक में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी कवर सेल, बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका तथा एक निचली सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका बनती है। तो आप देख रहे हो, एक तो बी में क्या है, कवर सेल बन गई, दूसरी है सेंट्रल सेल। सी डायग्राम में कवर सेल है और दूसरी है सेंट्रल सेल बनती है। तो प्राथमिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के संपूर्ण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे चार ग्रीवा प्रारंभिक बनती है। इनमें अनुप्रस्थ विभाजन से चार उदर पंक्तियों की ग्रीवा का निर्माण होता है, या ग्रीवा का विकास होता है। तो केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ऊपरी प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, प्राइमरी नेक कैनाल सेल तथा आधारी प्राथमिक अंडधा कोशिका, प्राइमरी वेंटर सेल बनाती है। अब अपन क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दो, कि अपन ने क्या बताया, जो केंद्रीय कोशिका है, सेंट्रल कोशिका है, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे क्या बनती है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल। ये देख लो, प्राइमरी नेक कैनाल सेल तथा प्राइमरी वेंटर सेल, प्राथमिक अंडधा कोशिका का निर्माण हो जाता है। और जब इसका निर्माण हो गया, प्राथमिक अंडधा कोशिका का जब निर्माण हो जाता है, तो प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका प्राइमरी नेक कैनाल सेल का केंद्रक विभाजित होकर दो ग्रीवा नाल केंद्रक बनाता है, टू नेक कैनाल न्यूक्लियाई बनाता है, और दोनों केंद्रक मात्र कोशिका भित्ति द्वारा परिबद्ध रहते हैं। तो प्राथमिक अंडधा कोशिका प्राइमरी वेंटर सेल
अनुप्रस्थ विभाग द्वारा एक छोटी ऊपरी अंडधार नाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल तथा बड़ी आधारी अंड कोशिका बनाती है। तो आप देख रहे हो ई डायग्राम में जो क्या बताया मैंने, जो प्राथमिक अंडधार कोशिका है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जैसे कि ऊपरी छोटी वेंटर कैनाल सेल, ये देख लो वेंटर कैनाल सेल एफ डायग्राम में ऊपरी छोटी वेंटर कैनाल सेल बनती है तथा बड़ी आधारी एग सेल या एग कोशिका बन जाती है, जैसे कि एफ डायग्राम में आप देख रहे हो। ठीक है, तो बियर हॉर्स्ट के अनुसार कभी कभी प्राथमिक अंडधा कोशिका सीधे ही अंड कोशिका एग में परिवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम, अस्थिधानी की संरचना। तो साइलोटम में अस्थिधानी की संरचना कैसे होती है, तो साइलोटम में परिपक्व अस्थिधानी युग्मक उद्भिद प्रोथैलस में लगभग पूर्णतः अंतर स्थापित होती है, परंतु ग्रीवा भाग सतह पर प्रक्षेपित रहता है। तो ग्रीवा नेक चार उदर कोशिका पंक्तियों से निर्मित होती है तथा प्रत्येक पंक्ति चार से सात कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। तो ग्रीवा में नेक में एक दी केंद्र की ग्रीवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल पाई जाती है। ये देखो ग्रीवा में क्या पाई जाती है, नेक कैनाल सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रीवा में एक दी केंद्र की ग्रीवा नाल कोशिका स्थित होती है और अंडधा क्षेत्र में वेंटर कैनाल सेल अंडधा नाल कोशिका तथा एक आधारीय बड़ी अंड कोशिका स्थित होती है। अब बात करते हैं कि हाउ द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन साइलोटम, मतलब साइलोटम नामक टेरोफाइट में निषेचन कैसे होता है। तो स्त्रीधानी के परिपक्व होने पर ग्रीवा की सबसे निचले टीयर की कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं, जबकि ऊपरी भाग की कोशिकाएं विघटित होकर नष्ट हो जाती है। तो आधारी सोपान की मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं बची रहती हैं और ग्रीवा नाल कोशिका तथा अंडधा नाल कोशिका विघटित होकर सलेश्म का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप स्त्रीधानी में कुमणुओं के प्रवेश के लिए पथ बन जाता है। तो कुमणु रासायनिक अनुचलन कीमोडायनेटिक मूवमेंट द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इनमें से केवल एक कुमणु अंड से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करता है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट भित्ति स्थापित कर निषेचन उस पोर में परिवर्तित हो जाता है। तो अपन ये देखते हैं बेटा, जो जब फर्टिलाइजेशन होता है साइलोटम में, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ग्रीवा नाल कोशिका तथा अंडधा नाल कोशिका विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है और इसके फलस्वरूप स्त्रीधानी में पुमणुओं के प्रवेश के लिए पथ बन जाता है। और जब पुमणु आर्किगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो एक पुमणु अंड से संयोजित होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है और ये जाइगोट अपने चारों ओर भित्ति स्थापित करके ओओस्पोर निषेचन में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइलोटम, मतलब साइलोटम में भ्रूण विकास। तो युग्मनस जाइगोट अथवा निषेचन ओओस्पोर बीजाणुद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका का कार्य करता है, यह आकार में वृद्धि कर अंडधा को वेंटर को पूरी तरह घेर लेता है और ओओस्पोर में निषेचन में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी अध्याधर कोशिका एपिबेसल सेल व निचली अधराधर कोशिका हाइपोबेसल सेल का निर्माण होता है। तो आप ये डायग्राम में देख लो, साइलोटम है, इसमें क्या दिखाया है, बीजाणुद्भिद विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं। तो मैंने बताया जाइगोट में या ओओस्पोर में एक जो प्रथम विभाजन है वो कैसा हो रहा है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे
ऊपरी ओर, ऊपर की ओर, तो क्या बन रही है, एपिवेसल सेल का निर्माण हो रहा है, एरोगुमारियम मतलब अध्याधर कोशिका, व निचली क्या बन रही है, हाइपोवेसल सेल अधराधर कोशिका का निर्माण हो रहा है। अब अपन क्या देखते हैं कि अध्याधर कोशिका से, अध्याधर कोशिका से प्ररोह का निर्माण होता है, जबकि जबकि अधराधर, जबकि अधराधर कोशिका एक मांसल पाद फुट का निर्माण करती है। तो अपन किसको बोलते हैं, अधराधर कोशिका हाइपोवेसल सेल, ये देखो एरोगुमारियम, अधराधर कोशिका हाइपोवेसल सेल में एक उदग्र विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अनियमित विभाजनों के फलस्वरूप एक मांसल बेलनाकार पाद का निर्माण करती हैं। तो किससे, फुट किससे डेवलप हो रहा है बेटा, हाइपोवेसल सेल से, मतलब हाइपोवेसल सेल से क्या डेवलप हो रहा है, फुट डेवलप हो रहा है। तो वापस करते हैं, अधराधर कोशिका में एक उदग्र विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती है, ये दोनों कोशिकाएं अनियमित विभाजनों के फलस्वरूप एक मांसल बेलनाकार पाद का निर्माण करती है और फुट से, पाद से कई अंगुलीनुमा उभार उत्पन्न होते हैं जो युग्म को उद्भिद में प्रवेश कर भोजन का अवशोषण करते हैं, इन्हें चूषकांग फास्टोरिया कहते हैं। तो अपन देखते हैं अध्याधर कोशिका में भी प्रथम विभाजन उदग्र होता है, इसके बाद एक अनुप्रस्थ विभाजन से एक या कभी कभी दो शीर्षस्थ कोशिकाएं एपिकल सेल्स स्थापित हो जाती हैं और शीर्ष कोशिका के विभाजनों से प्ररोह का, ये क्या हो रहा है, प्ररोह का निर्माण होता है और तरुण बीजाणुभेद यंग स्पोरोफाइट के चारों ओर स्थित युग्मकोद्भिद ऊतक की कोशिकाएं गोपक सदस्य, गोपक कहते हैं कैलिप्टा को, गोपक सदस्य संरचना बनाती है। तो यंग स्पोरोफाइट तरुण बीजाणुभेद गोपक को फाड़कर युग्मकोद्भिद प्रोथेलस से बाहर निकल आता है एवं शयान वृद्धि कर प्रकंद बनाता है। तो प्रकंद शीघ्र ही कवक मूल द्वारा संक्रमित हो जाता है तथा द्विभाजी शाखित हो जाता है। इसकी कुछ शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि कर वायवीय शाखाओं में विभेदित हो जाती हैं। हाँ, पहले कोई क्वेश्चन पूछता है बेटा, इसमें ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, यूसाइलोटम है उसमें, राइट, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथेडियम एंड आर्किगोनियम इन साइलोटम, या साइलोटम में भ्रूण के विकास को चित्रों सहित समझाइए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। मैम हाँ। हाइपोवेसल वाला नहीं, दोबारा समझा दो। कौन सा बेटा, कौन सा, हाइपोवेसल सेल्स के बारे में, हाइपो वाला, ये जो अभी जाइगोट का बताया, जाइगोट वाला। हाँ मैम, एम्ब्रोय में ना हैप्पी वेसल हाँ। समझाया था ना आपने, और हाइपोवेसल हाँ, तो हाइपोवेसल वाला समझा दो, हाइपोवेसल वाला दोबारा समझा। अच्छा बेटा, हाँ एक बार देखना, वापस से समझाती हूँ तो बोलना, ठीक है। देखो बहुत धीरे-धीरे बोलूंगी मैं, ये देखो हाइपोवेसल वाला बोल रहे हो आप, तो अपन किसकी बात करते हैं बेटा, भ्रूण विकास। तो जैसे कि मैंने बताया, जो निषेकताण है वो स्पोर है, उसमें क्या होता है, निषेकताण में पहला विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। जब अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है तो अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा जब निषेकताण में विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं बेटा, एक तो है एपिवेसल सेल, एक है हाइपोवेसल सेल। तो एक तो हो गई अध्याधर कोशिका, एक हो गई निचली अधराधर कोशिका। जैसे कि बेटा इस डायग्राम में देखना, एपिवेसल सेल और हाइपोवेसल सेल क्या कहलाती है, अधराधर कोशिका। तो मेन रोल किसका होता है, इस अधराधर कोशिका का होता है, हाइपोवेसल सेल का होता है। तो इस अधराधर कोशिका में एक उदग्र विभाजन, वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती है। मतलब पहले तो बेटा हाइपोवेसल सेल में एक उदग्र विभाजन होता है, जिससे कि टू सेल्स बनती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं। फिर इन दोनों कोशिकाओं में अनियमित विभाजनों के फलस्वरूप
एक मांसल बेलनाकार पाद का निर्माण होता है। तो ये आप देख रहे हो बेटा कि फुट का फुट रीजन बन गया, इनमें क्या है फुट रीजन मतलब पाद का निर्माण हो गया, ये मैं एरो घुमा रही हूँ, इसमें पाद का फुट का निर्माण हो गया। और इस फुट से कई अंगुली नुमा उभार उत्पन्न होते हैं, देख लो बेटा ये जो फुट है जो पाद है इससे कई उंगली नुमा उभार उत्पन्न होते हैं जो युग्म कोधफिन में प्रवेश कर भोजन का अवशोषण करते हैं। तो जो पाद से बेटा फिंगर लाइक अंगुली नुमा उभार निकलते हैं उनको क्या कहते हैं चूषकांग कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं। अब चूषकांग का हॉस्टोरिया का कार्य क्या है, ये युग्म कोधभेद हेमेटोफाइट में प्रवेश कर भोजन का अवशोषण मतलब फूड का भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं अध्यादर कोशिका कौन सी है, एपिवेसल सेल। ये तो हो गई हाइपोवेसल सेल की बात, अध्याधर कोशिका किसे कह रहे हैं बेटा, एपिवेसल सेल की बात करते हैं। तो अध्याधर कोशिका में भी प्रथम विभाजन उदग्र होता है, इसके बाद एक अनुप्रस्थ विभाजन से एक या कभी कभी दो एपिकल सेल्स स्थापित हो जाती है। तो एपिवेसल सेल से एक या दो शीर्षस्थ कोशिकाएं बन जाती हैं, और इसकी फिगर डी और ई में दिखाया है बेटा, इसमें देखना इसमें शूट रीजन मतलब एपिकल सेल्स स्थापित हो जाती हैं और शीर्ष कोशिका विभाजनों से प्ररोह का निर्माण होता है। ये लिखा है शूट रीजन, तो मतलब एपिवेसल सेल से क्या बनता है शूट रीजन प्ररोह का निर्माण होता है, जबकि हाइपोवेसल सेल से फुट का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है शीर्ष कोशिका विभाजनों से प्ररोह का निर्माण होता है और तरुण बीजाणुभेद यंग स्पोरोफाइट के चारों ओर स्थित यंग बीजाणुभेद। एक बार और शेयर करते हैं रुचिया, मतलब तरुण बीजाणुभेद के चारों ओर स्थित युग्म कोधभेद ऊतक की कोशिकाएं गोपक सदस्य संरचना बनाती हैं। अब आप देख रहे हो ये है यंग स्पोरोफाइट, इसके चारों ओर क्या बन गया एक कैलिप्टा बन जाता है, गोपक का निर्माण हो जाता है और मतलब तरुण बीजाणुभेद इस गोपक कैलिप्टा को फाड़कर युग्म कोधभेद प्रोथैलस से बाहर निकल आता है एवं शयान वृद्धि कर राइजोम बनाता है। अब ये क्या बना रहा है, ये कैलिप्टा से बाहर निकल गया और ये राइजोम का निर्माण कर रहा है। तो कौन निकल गया, जो यंग स्पोरोफाइट है वो गोपक को कैलिप्टा को फाड़कर युग्म कोधभेद प्रोथैलस से बाहर निकल आता है एवं राइजोम का निर्माण करता है। तो जो प्रकंद शीघ्र ही कवक मूल माइकोराइजा द्वारा संक्रमित हो जाता है एवं द्विभाजी शाखित होता है, इसकी कुछ शाखाएं ऊपर की ओर ऊर्ध्व वृद्धि कर वायवीय शाखाओं में विभेदित हो जाती हैं। अब बताओ बेटा आप आया नहीं, आ गया है ना। तो ये है अपना साइलोटम का। अब कल अपन लेंगे 26 जनवरी की शायद छुट्टी हो सकती है तो कल ही पता चलेगा, तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे अब 224।